अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मैं लगता है कि उसमें निर्दोष लोगों का भी नाम दिया गया। ओसामा उस दिन नहीं था, हाँ निर्दोष है। 15-20 दिन पहले से वो सिवान से बाहर था, उसका नाम घसीटा जा रहा है अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए। जिला प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करेंगे कि निष्पक्ष होकर इसकी जांच हो, किसी के बाल बच्चे को फंसाया न जाए, उसकी करियर समाप्त न की जाए। वह लड़का निश्चित रूप से निर्दोष है, उस 147 का प्रचलन तो नहीं था। हमें लगता है कि उसमें निर्दोष लोगों का भी नाम दिया गया। ओसामा उस दिन नहीं था घटना के दिन, हाँ निर्दोष है। उस दिन वह विदेश में था, दुबई में था, और उसके बाद से उसकी परीक्षा थी, दिल्ली में था। चुनाव के 15-20 दिन पहले से वह सिवान से बाहर था, उसका नाम घसीटा जा रहा है अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करेंगे कि निष्पक्ष होकर इसकी जांच हो और किसी के बाल बच्चे को फंसाया न जाए, उसकी करियर समाप्त न की जाए। निश्चित रूप से उनके पिता जो कुकृत्य किए वो अपने साथ लेकर गए। उनका लड़का से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है वह लड़का निश्चित रूप से निर्दोष है, और जो दोषी है प्रशासन चिन्हित करे और शिकंजे तक पहुंचाए, जेल के शिकंजों में कसे, ताकि भय मुक्त अपराध मुक्त सिवान बन सके। और इसके लिए लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। देखिए MLC चुनाव में उस 147 का प्रचलन तो नहीं था, और न किसी वोटर को धमका करके, अब तो वो परंपरा ही समाप्त हो गई कि वोटर को धमका करके आप